हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लाइटर दिखाने वाला हूं जो थोड़ा डिफरेंट है। सिगरेट पीने वाला लाइटर नहीं है ये, एक बड़ा ही स्टाइलिश सा गन टाइप का लाइटर है। देखिए, और लंबी सी इसकी नोज़ है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है दोस्तों, इसको मैं आपको दिखाऊँगा आज। मुझे अट्रैक्टिव लगा काफ़ी, इसलिए मुझे लगा शायद आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए, इसके अंदर पहली चीज़ यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, लॉक का ऑप्शन है। छोटा बच्चा अगर जो है कोई आपके घर पे है तो आपने इसे लॉक लगा दिया तो ये नीचे से पुश नहीं होएगा यहाँ से, तो इसे आप लॉक खोल देता हूँ मैं। सेकंड, इसमें नीचे प्लस और माइनस का बटन दिया गया है फ्लेम को कम ज़्यादा करने के लिए। और नीचे इसमें जो है लाइटर के अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो इसके अंदर फिल हो जाता है। यहाँ से आप इसको रिफ़िल भी करवा सकते हैं मार्केट से, जिस तरीके से छोटे लाइटर्स रिफ़िल होते हैं। और चलिए देखते हैं इसे कैसे काम करता है। वाओ दोस्तों, देखिए, और फ्लेम देखते हैं, मैक्सिमम ही तो लोएस्ट फ्लेम थी, हाईएस्ट करके देखते हैं। क्या बात है दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ रहने वाली है मेरे लिए। जब मैं कुछ DIY अपने काम करता हूँ, अपनी वर्कशॉप में कुछ काम करता हूँ, तो उस टाइम पे माचिस की तिल्ली जलाना बड़ी आफत हो जाती है। और कई बार मुझे कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हीट करना है, कुछ करना है, उस टाइम पर ये बड़ा काम देने वाला है। लंबी नोज़ है, छोटे लाइटर के साथ दिक्कत होती है। छोटा लाइटर बड़ी जल्दी अगर आप उसे मूव करते हैं तो वो उसकी फ्लेम जो है हाथ पे आने लगती है, इसके साथ वो दिक्कत नहीं है। तो आप भी मंगवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ की। और फ्लेम देखिए कितनी बढ़िया है, किचन में यूज़ कर सकते हैं, बर्थडे पे केक के ऊपर कैंडल जला सकते हैं, दिवाली में पटाखे जला सकते हैं, और कोई फालतू बोले तो फ्लेम तेज करके उसका थोपड़ा जला सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।